तो वही हुआ कि मैंने वही बदतमीज़ी की, लेकिन मैं इसको अवॉइड इसलिए कर सकता कि वो आपके नेक्स्ट स्पीकर हैं, तो उनको अब अगर पता ना चले तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो फ़ोन बजना शुरू हो जाते हैं और किस टाइम पे क्या हमने करना है, हमें कोई एटिकेट्स नहीं है। आप देखिए किसी एक अच्छी महफिल में हो और वहाँ पे इससे कोई खांसना शुरू कर दे तो आप अच्छा लगेगा वो, उसके एटिकेट्स है ना महफिल के। आपने अच्छा खाना खा के ना ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे ढिकार करना है। वेस्ट में जब मैं गया तो मुझे को हल्का सा कोई ऐसे हुआ, तो मेरे साथ मेरी कुलीग सफर योर बॉबिंग दैट्स हाईली ऑफेंसिव थिंग इन यूके। मैंने बॉब किया जैसे होता है, तो वो कितने ऑफेंसिव है तो बहुत ज़्यादा महफिल में, और हमारे लिए मसले नहीं है ना, मसले ही नहीं है। ओके नेक्स्ट आते हैं डिजिटल लॉ। यू नीड टू नो व्हाट इज हैकिंग एंड व्हाट इज यू सी गुड एंड बैड ऑन इंटरनेट। इस चीज़ को लॉज क्या हैं, किस तरीके से आप लॉ के एम्बिट में आ सकते हैं, आपको डिजिटल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता होना चाहिए। मैं इस पर थोड़ी सी अगली स्लाइड में बात करता हूँ, और इसकी डिजिटल हेल्थ और वेलनेस का भी पता होना चाहिए, कितनी देर मोबाइल आप यूज़ करें, कितनी देर ना करें, एडिक्शन का तो कहीं शिकार हम ना हो जाएं, स्क्रीन टाइम वगैरह को ध्यान में रखने के लिए। हाँ वो हमने कभी नहीं पढ़ी। देखिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि अगर आपको जनरल लॉज पता हैं, आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, तो फिर तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आप एम्बिट में आते ही उस वक्त हैं कि जब आप वायलेट कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आप यूट्यूब पे बड़ी लंबी चोरी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यूज़र गाइड है पूरी, आप उन गाइडलाइंस के बगैर अगर आप चलते हैं तो वो आपको स्ट्राइक देना शुरू कर देते हैं, वो आपको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें फिर आपके लिए बड़ी डेंजरस होती हैं। मिसाल के तौर पर मेरा ही लेक्चर था, अब मुझे क्या था, वो बड़ा हाई लेवल पे यूज़ हुआ, वो लेक्चर बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ मेरे अपने सोशल मीडिया चैनल पे। तो जब मैं मोनेटाइजेशन के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके ऊपर ये ऑलरेडी यूज्ड कंटेंट है। लेकिन मेरा है, मैं कैसे, मेरा ही है, मैं ही उस पर लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा यूज़ कंटेंट कौन किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये ऑलरेडी यूज़ कंटेंट है, आप इसको विड्रॉ करेंगे। पता ये चला कि वो जब मैंने दिया था तो मुझसे पहले मेरे स्टूडेंट ने किसी ने अपने लगा दिया था, बड़ा अच्छा लेक्चर जैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो किसी ने लगा दिया, तो वो लगा दिया, वो मेरा ही स्ट्राइक, मेरा ही लेक्चर, मुझे ही स्ट्राइक मिल रहा है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें इफ़ यू नो इट कि किसी और का सामान लेते हुए आप उसको अपना बना के जब पेश करते हैं या कोई ख़ास लेवल से बढ़ के पेश करते हैं, आप देखें ना कि वो 30 सेकंड से ज़्यादा आप होंगे तो स्ट्राइक आएगी आपको। तो आपको ये जानना ज़रूरी है ना कि 30 सेकंड से ज़्यादा ना आएँ, 29 सेकंड तक रहें। किसी कोई भी अगर यूट्यूब पर अगर कोई भी चीज़ अगर आप किसी और के भी साथ लगा रहे हैं, यू शुड नॉट एक्सीड 30 सेकंड्स। और आप किसी और का म्यूज़िक लगा रहे हैं, उस पर स्ट्राइक आना शुरू हो जाता है कॉपीराइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो गुड डिजिटल सिस्टम इज वन हु नोज व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। तो हमें आप इस सूरत हाल में क्या है, हमें अपने स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्किल्स हों इसको यूज़ करने के लिए, राइट का पता हो, रॉन्ग का पता हो, वायलेशन क्या हो सकती है उसका पता हो, ऑब्लिगेशन हमारी क्या हैं उसका पता हो, लॉस क्या है उसके हवाले से हम पूरे तरीके से जानते हों। जब ये जानेंगे तो हम एक अच्छे डिजिटल सिटीजनशिप हो सकते हैं, और इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का एक मकसद ये भी है। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपके राइट्स और आपकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं वन बाय वन वेरी क्विकली। राइट टू एक्सेस एंड यूज कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ऑफकोर्स इज यूर राइट, आपको एक्सेस मिलना चाहिए क्या आप कोई डिवाइसेस ये इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि किसी एक इलाके के लोगों को तो एक्सेस हो, किसी दूसरे इलाके के लोगों को एक्सेस ना हो। सेकंड इज़ व्हाट राइट टू एक्सेस एंड यूज़ डिजिटल कंटेंट। व्हाट्सएप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकते जी।
वो हमारी कुकीज़ बेटे बेसिकली तो ये ना कि जब आप किसी भी साइट को इस्तेमाल करते हैं तो वो चाहता है कि आपका बहुत सारा डाटा भी यूज़ करें, आपका डाटा इस्तेमाल करें, हु यू आर, दे ट्राई टू नो यू एंड ट्राई टू एक्सेस योर डाटा। अब ये एक एज ए मैटर ऑफ राइट कहते हैं कुकीज़, अगर आप उसको बाज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इफ़ यू डू नॉट अलाउ देम दे डू नॉट अलाउ यू टू एक्सेस देम, दिस इज काइंड ऑफ यू सी ट्रेड, ये ट्रेड ऑफ करते हैं आपको कि आप हमें अलाउ करेंगे अपने डेटा को, और वो अपने डेटा थ्रू यू सी एल्गोरिदम पिक कर लेते हैं आप किस जगह से हैं, आप कौन हैं, आपका क्या नाम हो सकता है, क्योंकि आपके बाकी सोशल मीडिया साइट साथ खुली होती हैं, कंप्यूटर पे जब बैठे हैं तो आपके सारे सोशल मीडिया, आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपके फेसबुक खुला हुआ है, आपके ट्विटर खुला हुआ है, आपके बाकी ब्ला 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 चीज़ें खुली हुई हैं, तो वंस यू हैव अलाउड द कुकीज इट मींस दैट यू हैव गिवन एक्सेस देम गिवन देम एक्सेस टू परमिशन टू एक्सेस एनीथिंग। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसको बड़ा ज़रूरी है कि आप ये मैनेज करें। अब ये मैनेज करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका सोशल मीडिया की हर चीज़ वो ना चली जाए। अब ये बड़ा बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोशल मीडिया में कहाँ का अपने आपने फायरवॉल्स लगाएं, कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जो आप खुद पब्लिक करना चाहते हैं, वॉल पे रखना चाहते हैं, जो आप एक्सेस नहीं देना चाहते, दैट शुड नॉट बी गिवन एक्सेस टू द वन हु यू हैव एक्सेस एंड द कुकीज़ आर ट्राइंग टू गेटिंग एक्सेस टू, है ना। तो ये हमारा एक पूरा सेशन है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप सोशल मीडिया पर अपने डेटा को कैसे सेव करें, तो वो जो कुकीज़ एक्सेस करने की कोशिश करेंगी वो फिर हम किसी सूरत में उसको अवॉइड कर सकेंगे। अच्छा, फिर राइट टू एक्सेस एंड यूज डिजिटल कंटेंट, राइट टू क्रिएट एंड शेयर डिजिटल मीडिया आपके पास है, ये तो नहीं है कि आप सिर्फ रिसीविंग एंड पे हो, यू शुड बी गिवन राइट टू शेयर योर थॉट्स, योर थिंग्स एज वेल, और राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स, मैं कोई चीज़ें डाइवर्ज नहीं करना चाहता दुनिया को, यू शुड बी गिवन दिस। सिमिलरली राइट टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड ओपिनियंस फ्रीली जैसे बाकी मीडिया के लिए है, एंड राइट टू रिपोर्ट एनीथिंग और एनीथिंग दैट सीम्स इनअप्रोप्रिएट, रिपोर्ट का आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप ये नहीं कि आपके पास ये राइट नहीं है, आप कहें कि हमें ये राइट मिलना चाहिए या जहाँ कहीं नहीं है तो वहाँ पर लिखा जाना चाहिए, गिव मे राइट टू रिपोर्ट एनी थिंग विच इज़ इनअप्रोप्रिएट देयर। अगली जो इम्पोर्टेंट, और इसके बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या है? अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, बिहेवियर इस्तेमाल करें व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर्स, साइबर बुलिंग ना हो। हम साइबर बुलिंग को हमेशा ये समझते हैं कि विमेन आर सब्जेक्ट ऑफ साइबर बुलिंग, बस दो मिल सकती है, वो दूसरे हमारे साथ भी आ रहे थे उनको इकट्ठे कर। साथ साथ ये है कि आप भी तो कर सकते हैं, तो साइबर बुलिंग इज बोथ द वेज, हम इसको सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि रेस्पेक्ट ओपिनियंस एंड आइडियाज ऑफ अदर्स, इफ यू डू नॉट लाइक इट इग्नोर इट, do not access it again, लेकिन उस पर कोई ऐसी negative comments देना further problematic हो सकता है। Obey all the intellectual property laws, किसी और की चीज़ को अपना बना के पेश ना करें, ये मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ, तो this is strongly prohibited. Do not use or share others' work without permission. Seek permission, refer करें, उनका नाम दें, उनसे इजाज़त लें, फिर शेयर कर सकते हैं। अपना बना के विदाउट परमिशन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन हु इज यूजिंग अदर्स थिंग्स। फॉलो रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर एवरी इंटरनेट साइट, वो हमेशा दिए हुए होते हैं, व्हाट फॉर इज दैट, कैन यू डाउनलोड इट, अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप डाउनलोड हम मुख्तलिफ मीन्स के थ्रू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी किताब एक पब्लिश हुई तो सेज ने पब्लिश की, और उसकी हार्ड कॉपी इतनी की है और सॉफ्ट कॉपी इतनी की है, तो मुझसे किसी बच्चे ने मांगी, मेरे पीएचडी का स्टूडेंट था, कि सर उसकी सॉफ्ट कॉपी दे दे। मैंने कहा बेटा ये तो सॉफ्ट कॉपी तो अवेलेबल नहीं है, और आई एम नॉट, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अगरचे की थी जो उन्होंने पब्लिशर ने दी हुई थी, तो उसने कहा कि ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, दिस इज़ फॉर योर पर्सनल यूज़। ओके, स्टूडेंट ने मुझसे कहा तो मैंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है, हार्ड कॉपी है, आप पढ़ने के लिए ले जाओ, या बाज़ार में अवेलेबल भी है सईद बुक बैंक वगैरह पे।
उसने माइंड किया, अगले दिन वो मुझे सॉफ्ट कॉपी उसने ग्रुप में शेयर की मेरे साथ. कैसे? बिकॉज दे हैव डिफरेंट टूल्स थ्रू विच दे कैन डाउनलोड इट. वो हाईली जैसे आप कह सकते कॉन्फिडेंशियल और उसकी चीज़ है, वो पैसों में बगैर देती नहीं है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे. उसने जनाब वो डाउनलोड की और उसकी अब वो सारी हैक की उसने. तो ये चीज़ें जैसे आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट हैं जो अवेलेबल होती हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. तो थैंक यू वेरी मच. इस पर अभी हम डीप ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन, और हमारे नेक्स्ट कोलीग भी पहुँच गए हैं जो इंशाल्लाह हेट स्पीच पे वो आपके साथ फर्दर बात करेंगे. बेस्ट विशेस, हैव टी प्लीज. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.